जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत मिली है। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और गिरफ्तारी पर रोक लगने से एक बड़ी राहत रोहित रंजन के लिए। दरअसल रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश लागू होगा। दरअसल कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट फैसले में कहा इस बात को। दरअसल रोहित रंजन पर जिस तरह से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रयास कर रही थी और इस पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोहित रंजन को बड़ी राहत देते हुए, अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती और रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत यहां मिली है। रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। दरअसल रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को यह बड़ी राहत मिली है और रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, पुलिस कोई भी कार्रवाई अभी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में निर्देशित किया गया है पुलिस को। अभी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े और तथ्य हम आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या आधार तय किए गए और कैसे ये राहत मिली है और क्या कुछ और कब तक ये राहत जारी रह सकती है, आगे क्या स्थिति होगी, इसमें क्या अभी कोई शक शुबा बाकी है, ये भी स्पष्ट होगा आपसे कुछ ही देर में और विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रोहित रंजन को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रोहित रंजन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, गिरफ्तारी नहीं कर सकती, तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत और रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कोर्ट ने रोहित की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से दिखाए जाने की आरोप उन पर थे और इस पूरे मामले में रोहित रंजन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और रोहित रंजन से उनकी याचिका पर तत्काल जो कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर राहत देते हुए पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।